Vipul Goyal, I want to talk about, first of all, you know, you started by speaking about what you've been doing. I just want to ask you, when the Prime Minister speaks about exactly. the work that you've done, or the work done by our change agents, if that is the word that I, you know, one can use, what does it does, you know, what does it do to the morale of the people? How does it affect? And that's a very rightly yeah, in fact, very rightly asked question. As I have said, ke ye bimari jo hai, ye, it's a very lesser known disease. Aap divyangata ko hi dekhiye, divyangata shabd jo hai, hamare mananiya pradhanmantri ji ne is shabd ko bahut mahima di, aur logon ko jo ek back burner pe hota tha, disability, disabled shabd ko hatakar unhone divyang shabd diya. और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को यदि हम लें उसमें तो ये है कि ये इस बीमारी को अगर हम किसी भी और डिसेबिलिटी से मैं फिर डिसेबल्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ से यदि हम कंपेयर करें तो ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है. प्लीज़ आप इस बात को थोड़ा सा समझ लें जी. कि ये मसल्स का वेस्टिंग होने वाला एक सदा बढ़ने वाला रोग है. मैं जब 13 साल का था तो मेरी स्थिति ये थी कि मैं अच्छे से चलता फिरता था और 2 महीने एनसीसी कैंप्स अटेंड किए, गेम्स में अच्छा था. एंड वन फाइन मॉर्निंग आई स्टार्टेड फीलिंग दैट मेरी मसल्स में उतनी पावर नहीं है जितनी कि किसी और में और व्यक्ति में दिख रही है. धीरे धीरे डायग्नोसिस हुआ पीजीआई में और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जब बताया कि इस बीमारी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसका कोई इलाज नहीं है और ये स्थिति बढ़ती रहेगी. आप मतलब आप सोच सकते हैं कि उस समय एक व्यक्ति उसकी मदर यदि साथ में खड़ी हो उसकी मनस्थिति क्या रही होगी. और ऐसे अब जब से हमने संस्था का एक बीड़ा उठाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे 95वें एपिसोड में इसको कवर किया, 1993 में हमारी संस्था बनी थी और 2017 में हमने इंटेग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जिसको सीएसआर फंडिंग के माध्यम से आज वहाँ 50 लोगों के रहने की व्यवस्था है, 50 अभिभावक भी रह सकते हैं और सैकड़ों हजारों लोग जो पूरे भारतवर्ष से इस बार आके लाभान्वित हो रहे हैं. इसका एकमात्र इलाज जो है अभी तक वो फिजियोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी है. बार बार स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक इस बीमारी की कोई दवाई नहीं निकली है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद इसके ऊपर रिसर्च जो है उसको एक्सपेडाइट किया जाएगा और जो माइस के ऊपर इसका जो ट्रायल्स हुए हैं वो ट्रायल काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. आने वाले समय में मुझे लगता है हमारे वैज्ञानिक इसका इलाज भी जल्दी निकालेंगे और वो दवाई सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध होगी. और दवाई से ज्यादा जो आपने बोला माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद को आपने कहा विपुल गोयल जी माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ, आपने जो कहा एक अवेयरनेस, अगर प्रधानमंत्री अपने मन की बात प्रोग्राम में इसकी बात करते हैं तो अवेयरनेस आप सोचिए किस स्केल पे होगी और वो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोगों को अभी तक पता नहीं है, पता है तो उसके सही मायने पता नहीं है, इसीलिए वो मुझे लगता है सबसे बड़ा चेंज है जो वो दिखेगा. मैं यही कहना चाह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं और ये लोगों तक इतनी तेज़ी से ये बात फैली कि पहले जो संख्या हमारे पास 20-25 के करीब रहती थी, 50 का जो हमारा रहने की संस्थान है अब वो संख्या 39 से 40 के करीब पहुंच गई है और जिनसे भी हमारी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम को सुनने के बाद हम आपके सेंटर पे आ रहे हैं और हम पहले क्यों नहीं आए आपकी ये बात, हमें इस बात का दुख है. और जब वो सुन लिया अब संस्था में जो आ रहे हैं लाभान्वित होकर वापस जा रहे हैं.